अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टेलर गाइड यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओवरलॉक जो स्विंग ओवरलॉक की मशीन होती है उसके धागे किस तरह से डाले जाते हैं और उसको वर्क कैसे किया जाता है और उसको खोला किस तरह जाता है। सबसे पहले आपको खोलने का तरीका बताएँगे। ये जिस तरह के आप देख सकते हैं, ये साइड से इस तरह ओपन होगी जी, और ये नीचे पुश का बटन लगा हुआ है, ये देखें। इधर से पुश करेंगे तो ये साइड वाला जो कंपार्टमेंट है ये अलहदा हो जाएगा, और सबसे ऊपर वाला जो है जिसके नीचे जिसे पाँव भी कहते हैं, जिसकी वजह से नीडल चलती है और वो सिलाई कर देती है, फिर वो निकालेंगे। उसके बाद ये देखें आप, हमने सारे धागे जो है ये निकाल दिए हैं। अब इनको हम बारी बारी जो है आपको डालना सिखाएंगे कि धागों को किस तरह से डाला जाता है। सबसे पहले आप ये देखें, आपके पास ऐसे की चिमटी जो है वो होना ज़रूरी है, जो कि आपको बाज़ार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की कोई हार्डवेयर की दुकान से आपको मिल जाएगी। ये देखें, ध्यान रहे कि ये आगे से इस तरह नोकदार होनी चाहिए जो धागे को ग्रिप कर ले। तो ये आपको भी डालना दिखाएंगे कि किस तरह से ये तीनों धागे, ये चारों धागे जो है वो डाले जाते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये सुराख से पहले सुराख से गुजारा। ये आपने, अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं कि किस तरह धागों को डाला जाता है। जो जो नई मशीन्स खरीदते हैं उन सबको धागों के मुतालिक पता नहीं होता, तो धागे पता ना होने के बायस उनको मशीन में कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये जिस तरह से आप धागा डलता देख रहे हैं, इसी तरह से धागे जो है वो सही से डालते हैं। ये पहला धागा, ये देखें, ये पहला धागा जो आ रहा है ये सीधा यही लाइन पर आएगा। ये देखें, ये सीधा यही लाइन पर आएगा, ये देख सकते हैं आप। जी तो ये आप देख सकते हैं कि धागा जो है, ये पहला धागा जो है ये इधर से होता हुआ, ये देखें, ये इधर से होता हुआ, इस सबसे नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है इससे होता हुआ, ये देखें, ये सबसे नीचे वाले जो होल्स बने हुए हैं इसके, इधर से गुजरता हुआ इधर तक पहुँचेगा। और सबसे मुश्किल धागा जो है वो पहले वाला धागा ही डालना मुश्किल है, क्योंकि ये देखें इसकी जो नीडल है जिसकी वजह से धागे की ग्रिप होती है ये आगे से मुड़ी हुई है। ये देखें, इधर से धागा पीछे से जाएगा और पीछे से जाने के बाद आगे से इस नीडल के इस सुराख में जाएगा धागा। तो अभी आपको डाल के दिखाएंगे किस तरह ये धागा डाला जाएगा। ये देखें, आपने धागे को इस तरह मसल लेना है और मसल के पीछे, ये देखें, क्लिपर के साथ या ट्वीज़र के साथ, ये देखें, ये धागा इस साइड पर आ गया। ये देखें, ये धागा इस साइड पर आ चुका है, फिर इधर से धागे को फिर आगे की तरफ लाया जाएगा। ये देख सकते हैं जी, देखें, ये देखें, ये धागा जिस तरह डल रहा है आपने इसी तरह धागे को हर सुराख में से गुजारना है। इस तरह गुजारने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये धागा अब आपका सामने आ चुका है। तो ये आपका पहला धागा जो है वो ये कंप्लीट हो चुका है, ये पहला धागा आपका डल चुका है। और ये सबसे मुश्किल धागा जो है, ये पहला धागा ही डालना ये सबसे मुश्किल है। ये देखें, मैं धागे को खींच रहा हूँ और ये धागा आराम से खींचता चला जा रहा है। ये अब आपको दूसरा धागा जो है वो डालना सिखाएंगे। ये देखें, ये दूसरे धागे को भी पकड़ा,
दूसरे धागे के जो जो कंपार्टमेंट्स के करीब बने होंगे वो आपने उसी में से गुजारना है। कई लोग जो हैं वो जब न्यू मशीन्स लेके आते हैं धागा एक या दो या तीन एक एक होल के फ़र्क से मशीन जो है वो अच्छी वर्किंग नहीं करती, जगह जगह पर वो रुकती चली जाती है और धागे को बार बार तोड़ती है। वो सिर्फ इसी वजह से कि धागों की सेटिंग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होती, तो लोग जो है वो धागों की सेटिंग को लेके बड़े परेशान होते हैं और दोबारा मार्केट्स में जाते हैं इसका पता करवाने के लिए। लेकिन कोई इतना ज़्यादा बड़ा ये इशू नहीं होता जिसको हम बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बना लेते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम जब धागा डालने की बात आए तो हम मार्केट्स का रुख ना करें, बल्कि हम अपने घर बैठे ही इस बात को सीखें और इसको इम्प्लीमेंट अपनी मशीनों पर करें। तो ये देख सकते हैं आप जिस तरह ये हर सुराख में से गुजरता हुआ, ये देखें, अब ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये, अगर आपके पास ये ट्वीज़र ना होगा तो आपके लिए धागा डालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मार्केट से ही इस ट्वीज़र को बाय करना चाहें तो मार्केट से ही ये 30 या 40 रुपए का मिलता है। तो आप अगर चाहें तो आप मार्केट से ही इस ट्वीज़र को, इस क्लिपर को बाय कर सकते हैं। ये देखें ये दूसरा धागा भी जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ये किस तरह डलेगा ये देखें आप। अगर आपको समझ ना आए कि धागे को किस तरह डालना है तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। ये देखें ये दूसरा धागा भी जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ये मैं दूसरा धागा खींच रहा हूँ, ये दूसरा धागा भी खींचता चला जा रहा है। ये दो धागे हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं। और ये देखें अब हमने तीसरा धागा जो है वो डालना है। सबसे आसान धागा जो है वो ये है जो कि मेन नीडल में जाता है। ये देख सकते हैं जिस तरह सुराखों में से ये धागा गुजरता चला जा रहा है, आपने भी इसी तरह गुजारना है ताकि आपकी मशीन की सेटिंग जो है वो ख़राब ना हो। मुख्तलिफ़ मशीनों के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं। अगर आपकी मशीन का मॉडल नंबर कोई और है तो आप कमेंट करके उसके बारे में भी आप थोड़ी सी रहनुमाई पूछ सकते हैं। ये देखें जिस तरह के ये धागे डल रहे हैं, देखें तो ये देख सकते हैं आप। इसके बाद ये नीडल जो बनी हुई है इस नीडल में ये धागा जाएगा, ये देखें जी। धागे डालने के बाद आपने तीनों धागों को इस तरह खींच के चेक कर लेना कि प्रॉपरली खींच रहे हैं या कहीं पे अर तो नहीं रहे। बाज़ अवकात ऐसा होता है कि जब धागा ढल जाता है तो कोन की जो नीचे वाली साइड है, कोन की नीचे वाली साइड, इस कोन की नीचे वाली साइड पे धागा अड़ जाता है, वो छूटता नहीं है, तो इस वजह से इसमें मुश्किल फेस करने को आती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये तीनों धागे बखूबी खींच रहे हैं। तो अब इसको हम बंद करेंगे और बंद करके आपको इसको वर्किंग करके दिखाएंगे किस तरह ये वर्किंग करती है और आपने किस तरह वर्किंग करते हैं। और जब इसको आपने बंद करना है तो ये देखें, ये आपने फिर इसको पुश नहीं करना बल्कि इसको आपने ऐसे प्रेस कर देना। जब प्रेस करेंगे तो वो खुद ब खुद ही ये लॉक जो है फिट हो जाएगा। ये देखें ये देखें जी, तो ये देखें जी, जी जी। तो अभी आपको चलाना बताएंगे, चला के दिखाएंगे कि किस तरह इसको चलाया जाता है और ये किस तरह वर्किंग करती है। ये देख सकते हैं आप, इस पाँव की वजह से ये चलती है। ये देखें ये किस तरह वर्किंग कर रही है, ये देखें। तो अगर आपका
अगर आपके सारे धागे जो हैं वो सही तरीके से डले होंगे तो आपका चेन सिस्टम जो है वो इस तरह का होगा, जो सिलाई करेगी वो इस तरह की सिलाई आपको सामने आएगी। अगर आपके धागे जो है वो सही नहीं होंगे, सही डले नहीं होंगे, तो ये आपके जो है वो बहुत ज़्यादा, देखें धागा जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला आएगा और कहीं कहीं पर वो धागा छोड़ छोड़ के आएगा। तो आप अपनी मशीन का मॉडल नंबर भी पूछ सकते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मोर ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें।